नमस्कार, मैं संजीव इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय जिला के चमथा की धरती पर, जो वीरों की धरती रहा है। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय जिला से ही आए हैं, तो तमाम जो चीजें हैं ये अभी दिखलाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर वे पंच कुंडीय महायज्ञ का जो आगे आयोजन हुआ है, ये अध्यक्ष चौमथ युवा विकास मंच चमथा के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा वीर हनुमंत का जो भव्य प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमा लगाई गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पुनः बता दूं, बेगूसराय की चमथा की धरती पर। और जो अगला दृश्य है वो हम आपको दिखलाएंगे। सबसे पहले माता रानी का जो यहाँ पर में भव्य मंदिर है, आज से तकरीबन 6 महीने पहले हमने इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर के सुंदरता के बारे में यहाँ के जो पुजारी लोग थे उनके बारे, उनसे भी हमने रूबरू हुआ था और तमाम चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया लगातार। देखिए हमारे साथ कैमरे के पीछे राजकुमार जी हमारे सहयोगी है। मेला जो है बहुत ही भव्य मेला का आयोजन जो है चमथा की धरती पर हुआ है, तमाम लोग आते हैं। हालांकि ठंड का महीना को लेकर थोड़ा सा जो देखने में लग रहा है जो भीड़ कम है, हालांकि वो श्रोता जन है जो प्रवचन सुन रहे हैं, तमाम माताएं बहने वो प्रवचन सुन रहे हैं। युवा लोग हैं यहाँ पर मेला के लुप्त उठाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करें किस टोला से या चमथा से या चमथा ही चमथा छोटपुर ब्राह्मण टोल से। तो यहाँ अभी जो भीड़ लग रहा है वाकई माने मेला तो बहुत ही बड़ा है। पंचकुंडीय महायज्ञ जो चौमथ विकास युवा मंच के द्वारा जो ये की गई है, इतना भव्य है। और झूला उला भी, तमाम झूला उला आकाशी से लेकर ब्रेक डांस से लेकर तमाम शिप वाला भी झूला लगा हुआ है, तो लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो भीड़ है वो नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे सर? बात ये जो 5 बजे यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाती है और आरती के समय इतना भीड़ रहता है, इतने हमारी माता बहने जो है सब आती है कि जगह यहाँ नहीं रहता। जो आरती नहीं, कथा वाचन, कथा कथा संध्या आरती भी होती है यहाँ पे, संध्या आरती के बाद कथा वाचन स्टार्ट होती है, उस टाइम बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे, जो लगभग पूरा ग्राउंड भरा रहता है, इसलिए दुकान उकान बाहर लगाया गया है और दुकान लगाने के लिए जगह भी कम पड़ गया है। जी 7 तारीख तक चलने वाला। जी जी 7 तारीख तक। जी मेरा नाम सर्वजीत कुमार झा। सर्वजीत कुमार झा जी जी हमारे साथ बता रहे हैं, जो भीड़ है वाकई जो ग्राउंड है वो खचा खच भर जाता है, लेकिन जो अभी जो है संध्या के आरती के बाद जो कथा वाचिका है वो कथा कहती है, और कथा कहने के दौरान तो हमारे माताएं बहने जो है वो कथा की सुनती है, श्रवण करती है, और उसके बाद जो है लोग कहते हैं जो घर से लोग निकलते हैं और भीड़ जो है। अच्छा, मेला जो है से कितने 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 बजे तक मेला है वो लगा हुआ रहता है? मेला 11-12 बजे तक रात तक चलते रहता है, 9 बजे से स्टार्ट फिर होगा भीड़, सब खाना पीना उना खा के घर में सब आएगी घूमने यहाँ पे, फिर महिला लोग, हाँ तब कंटिन्यू भीड़ यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे सब हवन कुंड के अगल बगल पूरा परिक्रमा करते हैं, उसके बाद आराम से रिलैक्स होके सब आते हैं, तब मेला होता है। अभी हो गया भाई, आरती में कुछ आदमी और रहेंगे, अब चल जाएंगे आरती खत्म होने के बाद, 7:30 बजे तक आरती समाप्त हो जाती है। तो युवा लोग होंगे जो मेला के लुप्त उठाने के लिए आते होंगे, जो झूला का लुप्त उठाने के लिए आते हैं, या माता रानी का दर्शन, जो तमाम प्रतिमाएं बनी है दर्शन करने के लिए आते होंगे, तो अक्सर बहुत युवा लोग जो है, जो यंग है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो वो लोग को ज्यादातर कथा वाचन से उन्हें ज्यादा लगाव नहीं होता, क्योंकि ये जो है एक ओल्ड एज में आने के बाद ही इससे लगाव होता है। जी जी, शायद लगता है यही कारण है, जो ये आरती जो है संध्या की आरती के बाद जो कथा वाचन भीड़ नहीं रहता, और कथा वाचन के बाद पुनः जो आरती होता है समापन जैसे अभी हो रहा है। जी, अब ऑटोमेटिकली भीड़ इंक्रीज होते जाएगा। जुड़े हुए थे जो तमाम दृश्य है वो दिखलाएंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ एक चाचा है यहाँ पर मैं जुड़ चुके हैं, और इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे जो मेला का जो दृश्य है वो लुक उठाने के लिए आए हैं, वो कैसा है मेला, और मेला का जो प्रायोजन है, प्रायोजित जो चौमथ मुख्य विकास मंच के द्वारा किया गया चमथा की धरती पर, उसको लेकर इनके मन में क्या है, क्या कहें? बहुत हम लोग का, पूर्ण चमथावासी का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये आयोजन किया गया है, और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित है इससे, और चाहेंगे कि ऐसा प्रत्येक साल हो ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिले, सुनने का, कथा श्रवण भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग आए हुए हैं, कथा श्रवण कथावाच का भी जो आई है, हाँ हाँ वाकई उनका जो बोलने का जो एक कला है और उनका जो मधुर स्वर है वो वाकई एकदम पूरा चमथा के इलाके में गूंज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। का जो श्रवण है वो आप कब से प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है, लोग सुनने के लिए कब से लोग आना प्रारंभ? 4 बजे शाम से ही शुरू हो जाता है, 4 बजे शाम से शुरू हो जाता है, और ये 7:15 तक चलता है,
उसके बाद रास अभी, अभी, अभी अभी जो है सर भीड़ काफी कम देखने को लग रहा है। जो भीड़ जो है वो वाकई मैंने जो होना चाहिए चौमत विकास मंच के द्वारा इतना भव्य जो है व्यवस्था किया गया है, बहुत ही अच्छे ढंग से झूला उला लगा है, मेला का विश्व मैंने बहुत सारा चीज व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर तमाम चीजें यहाँ पर दिख रहा है, तो मगर उसको लेकर लग रहा है जो भीड़ है वो काफी कम लग रहा है। भीड़ थोड़ा सा कम है चूंकि नवयुवक वर्ग लोग उतना इंटरेस्टेड है नहीं कथा सुनने में, और लोग फिर भीड़ जो है सो चूंकि प्रोग्राम तो रात तक के लेट नाइट तक के चलता है, भीड़ धीरे धीरे जुटेगा, और महिलाएं लोग तो श्रवण के लिए आती हैं कथा श्रवण के लिए, और अभी कथा श्रवण जस्ट समाप्त हुआ है और महिला लोग जा रहे हैं इसीलिए भीड़ थोड़ा कम है। क्या नाम है? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी स्थानीय जी तो चमथा का जो स्थानीय थे वो हम बतला रहे थे जो कथा श्रवण के बाद जो माताएं बहने जब यहाँ से निकलती हैं जाती हैं और जब कथा श्रवण का जो कार्यक्रम है वो समापन होता है साध्वी के द्वारा, साध्वी जी के द्वारा जो कथा का समापन होता है, कथा वाचन का जो समापन होता है, उसके बाद संध्या आरती के बाद दोबारा कथा वाचन के बाद भी आरती होता है। आरती होने के बाद जो तमाम युवा लोग हैं इनका ये कहना था जो युवा लोग वाकई जो कथा से थोड़ा सा वो दूरी बनाए रहते हैं, और जब जब कथा का श्रवण हो जाता है जब संध्या के आरती के बाद पुनः कथा के आरती के बाद जब युवा लोग हैं तब आते हैं जो भीड़ है, क्योंकि जो मेला है वो काफी लंबे समय तक चलता है 10-11 बजे तक चलता है, तो लोग आते हैं और भी अप्रत्याशी इन्होंने बताया जो वाकई जो भीड़ है खचाखच जो चमथा जो आप स्पेस देख रहे हैं जो दुर्गा मंदिर पुरानी मंदिर का जो स्पेस देख रहे हैं वाकई ये देखने को मिलता है। आप लोग तमाम जो लोग अभी तक नहीं आए निश्चित रूप से आइए, यहाँ पर कथा का श्रवण करना हो तो कथा का श्रवण कीजिए, मेला का लुत्फ उठाना हो तो मेला का भी लुत्फ उठाइए। बने रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं संजीव, दृष्टि न्यूज, विद्याप्ति धाम।